दोस्तों टाटा स्टील की बात के स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। आज टाटा स्टील की एक्स डिविडेंड डेट थी और इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिला। इसके पीछे वजह है बाजार में गिरावट। यहाँ पे टाटा स्टील को लेकर कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। कुछ मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है टाटा स्टील को लेकर वो भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ टाटा पावर जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है इनका पोर्टफोलियो, लेकिन प्राइस इतनी नहीं बढ़ी है, तो क्या टाटा पावर में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे टाटा पावर और टाटा स्टील के लिए एक काफ़ी अच्छा अचीवमेंट देखने को मिला है, तो क्या है खबर उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और क्या ये मौका है जब टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट किया जाए। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स, यहाँ पे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स जो इस समय देखें तो काफ़ी शानदार लग रहा है स्टॉक, ऑल टाइम हाई के आसपास। इसकी प्राइस तो अभी नहीं आई है, लेकिन पिछले 4-5 साल के अंदर इसने शानदार प्राइस अपनी बता दी है और आने वाले समय में एक नई हाई भी बना सकता है स्टॉक, और काफ़ी ज़्यादा बुलिश जोन में स्टॉक इस समय दिखाई दे रहा है, तो क्या टाटा मोटर्स में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही बेहतर बोनस देने जा रही है और काफ़ी शानदार इसका प्रदर्शन है, तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर टाटा स्टील की बात करें, आज स्टॉक की क्लोजिंग 111 पर रही, जहाँ पर 2.37% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो आज देख सकते हो कि आज टाटा स्टील, टाटा एलेक्सी, तो ये टाटा ग्रुप की दो कंपनियां आज एक्स डिविडेंड डेट के हिसाब से यहाँ पे जो हिसाब पे ट्रेड करता है दिखाई दिया स्टॉक। तो यहाँ पे देख सकते हो टाटा एलेक्सी का जो डिविडेंड था वो 60.60 पर शेयर था और टाटा स्टील ने 3.60 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड ऐलान किया था। और आप देख सकते हो कि अब ये जो डिविडेंड है ये आने वाले समय आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप देख सकते हो कि टाटा स्टील 10 जुलाई से आपके अकाउंट में डिविडेंड ट्रांसफ़र कर देगा और टाटा एलेक्सी की तरफ से 3 अगस्त को डिविडेंड दिया जाएगा। तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको बिल्कुल इस डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे टाटा स्टील की बात करें तो इस समय डोमेस्टिक मार्केट में तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इस समय जारी है। आप देख दो डिमांड भी स्टील सेक्टर में निकली है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, सरकार ने भी रेलवे के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट अनाउंस किए जिसका फ़ायदा इस सेक्टर को बिल्कुल मिलेगा। लेकिन यूके का जो बिजनेस है वो इनके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा मुसीबत क्रिएट कर रहा है। वहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी लॉस मेकिंग भी है और कंपनी बातचीत कर रही है यूके की गवर्नमेंट से कि उनको राहत दी जाए, अभी तक उनको राहत नहीं मिली है और इसका असर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन आप देख सकते हो कि आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। तो मोतीलाल ओसवाल ने फिलहाल इसकी जो रेटिंग है उसको न्यूट्रल रखा हुआ है और इसका जो टारगेट है वो 110 का रखा है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि जो आने वाले समय जो 7 कंपनीज की जो मर्जर की प्रक्रिया वो आगे बढ़ेगी, उसके बाद में कंपनी के बिजनेस में वृद्धि की संभावना बनेगी क्योंकि कंपनी एक तरह से देखे तो मजबूत हो जाएगी। एक ही अम्ब्रेला के नीचे जब सारा बिजनेस आता है तो ऐसे में मैनेजमेंट का एक बोले तो एक पावरफुल मैनेजमेंट बन जाता है और उसके बाद में डिसीजन लेना आसान हो जाता है और जो रॉयल्टी पेमेंट चुकाना पड़ता है एक दूसरी कंपनी को वो भी नहीं चुकाना पड़ेगा, उससे कंपनी को बेनिफिट होगा। तो ये आने वाले समय में कंपनी की परफॉर्मेंस सुधरेगी और उसका बेहतर परिणाम भी देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि ऑलरेडी जैसे कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, स्टील सेक्टर काफ़ी दबाव में था, लेकिन अब यहाँ पे गिरावट थमती हुई दिखाई देगी। जैसे बाजार में पॉजिटिव माहौल बनेगा तो टाटा स्टील अच्छा प्रदर्शन करेगा, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है टाटा स्टील में खरीदारी का। एक अच्छी गुड न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है टाटा पावर और टाटा स्टील के लिए और अमेजोन। आप देख सकते हो कि एक जो नई यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ की ब्रांड एम्प्लॉयज़ के लिए जो रेंटसनेट ने रिपोर्ट निकाली है, इसमें ये कंपनियों ने मैदान मार लिया है। आप देख सकते हो कि टाटा पावर कंपनी जो सबसे शानदार इसने एम्प्लॉय ब्रांड के तौर पे ये उभरी है, उसके बाद अमेजन और टाटा स्टील जो इस लिस्ट में शामिल है। तो ये जो आप देखते हो कि ये रेंटसनेट एम्प्लॉय ब्रांड रिसर्च रिपोर्ट जो तैयार की है 2023 के लिए, जिसमें सबसे शानदार रैंकिंग के साथ में टाटा पावर ऊपर है और उसके बाद में अमेजॉन और उसके बाद में टाटा स्टील का तीसरा नंबर है, जो आप देख सकते हो कि इस रिसर्च में काफ़ी अच्छे रैंक लेकर आए आगे। टाटा पावर की बात करें तो पिछले साल ये 9th स्पॉट पे थी, यानी इसका रैंक 9वां था, जो इसने बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे एक जंप लगाई है और 1 पे आई है। तो क्राइटेरिया में अगर आप देखें तो जो वर्क लाइफ बैलेंस, इसके अलावा गुड रेपुटेशन और अट्रैक्टिव सैलरी, इसके पैमाने पे जो वर्क फोर्स के हिसाब से किस्त से उनको एम्प्लॉयज को ट्रीट किया जाता है, ये सारी की सारी जो क्वालिटी है उस हिसाब से इसको ये रैंकिंग दी जा रही है। तो इस रैंकिंग में टाटा पावर ने बाजी मारी है, उसके बाद में तीसरे नंबर पर टाटा स्टील भी रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इन कंपनियों जैसे टाटा ग्रुप ने फिर से एक साबित कर दिया कि वो एम्प्लॉयज़ के लिए एक अच्छी जगह है जहाँ पे वो अपना जॉब कर रहे हैं, उसके साथ में उनको पूरा जॉब का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा क्योंकि उनको वहाँ पे वो सारी बेनिफिट मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि 10 में से 9 एम्प्लॉयज ने कहा है कि उनको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है कंपनी जो उनको चाहिए। इसके अलावा वीमेन फ्रेंडली कंपनियाँ भी हैं, तो ये सारी बातें जो साबित करी है कि टाटा वाकई में टाटा है और इनके सामने दूसरी कोई कंपनियाँ नहीं है।
अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस समय टाटा स्टील को लेकर जो यस सिक्योरिटीज़ के जो रिसर्च एनालिस्ट है लक्ष्मीकांत शुक्ला, उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। उनके हिसाब से स्टॉक आने वाले समय 124 से लेकर 131 के टारगेट को टच कर सकता है, तो 104 के स्टॉप लॉस के साथ में आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। तो काफ़ी अच्छा इस समय प्रदर्शन कर रहा है स्टॉक, भले ही इस समय आप देखें तो इसकी प्राइस आपको नीचे इसलिए दिखाई दे रही क्योंकि स्टील सेक्टर दबाव में था, लेकिन अब यहाँ पे आ गए आने वाले समय सब सिनेरियो चेंज होगा, 2024 में कंपनी का मर्जर भी हो जाएगा और ऐसे में आने वाले समय इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, तो दाव आपको लगा लेना चाहिए स्टॉक के अंदर। चलते हैं टाटा पावर की तरफ। 221 पर स्टॉक था जहाँ पे 1.40% की गिरावट देखने को मिली। अगर इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 190% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से इसका रिटर्न 406% का है, जो ज़बरदस्त है। यानी कोविड काल में स्टॉक 28 तक चला गया था, वहाँ से 300 तक गया था। 1 ईयर के हिसाब से रिटर्न देखें तो 9.84% का है, 3 मंथ के हिसाब से 10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 1 मंथ के हिसाब से 7% का पॉजिटिव रिटर्न है। कुल मिला के जो गिरावट थी वो थम चुकी है और निचले लेवल से स्टॉक ने फिर से पॉजिटिव मूव दिखाना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि 500 GW की कैपेसिटी को पाना है 2030 तक सरकार को, लेकिन इस टारगेट को अचीव करने में भी सरकार को बहुत सारी मेहनत करनी होगी क्योंकि इस समय जिस हिसाब से यहाँ पे ये जो कैपेसिटी पाई जा रही है वो बहुत कम है। यानी आप देख सकते हो कि पिछले 2 साल में जो कैपेसिटी ऐड की गई वो 125 GW की है और अब टोटल पहुँचे उसमें 30 GW का ही योगदान है, जिसमें सोलर विंड और हाइब्रिड बायोमास का सबका मिला के 2 साल में सिर्फ 30 GW की कैपेसिटी को पाया गया है, ये बहुत कम है। तो इसको और बढ़ाना होगा, इसके लिए सरकार को अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी, सरकार को इन कंपनियों के लिए सब्सिडी प्रदान करनी पड़ेगी और भी बहुत सारे बेनिफिट दे रहे होंगे। PLI स्कीम लाने का पहले से सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया, हमारे पावर मिनिस्टर आरके सिंह ने कहा है कि हमें बैटरी स्टोरेज के लिए और RE के लिए PLI स्कीम लॉन्च करनी होगी, और तो ये आने वाले समय कुछ बड़ा बेनिफिट होगा इस सेक्टर को। तो ऐसे में ये जो भी मौका है कि आप एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि कंपनी फॉजिल फील्ड्स और नॉन फॉजिल फील्ड्स पर दोनों में तेज़ी से काम करिए, खुद की कंपनी की कोल माइंस भी है जिस वजह से इनका जो कोल बेस्ड पावर प्लांट का कामकाज है उसमें भी इनको फायदा मिल रहा है। तो इसमें आपको बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश कर लेना चाहिए और स्टॉक ऐसे में वो देखें तो बहुत ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है और कंपनी का EV सेगमेंट का भी कामकाज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लगातार देखो तो हाईवेज़ के ऊपर EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं जो इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा कंपनी स्मार्ट मीटर के ऊपर भी काम करी है, तो टाटा पावर आने वाले समय कमाल कर सकता है, निवेश आपको करना चाहिए। चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। 570 पर स्टॉक है जहाँ पे 1.87% की गिरावट देखने को मिली। अभी आप मार्केट एक्सपर्ट कर रहे हैं कि आपको टाटा मोटर्स में निवेश करना चाहिए, आप आने वाले समय जिसमें देखें तो ये 790 तक जाने की संभावना बन रही है, स्टॉक ऑलरेडी 800% तक चढ़ चुका है, 63 से दौड़ना शुरू होता है, स्टॉक 584 तक आ गया, तो बहुत ही शानदार इसने रिटर्न दिया है। तो कोविड काल में देखें तो 24 मार्च 2020 को स्टॉक मात्र 63 के आसपास था, इसका लो बनाया था, उसके बाद में जो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया करीब 814% का बम्पर रिटर्न दिया, एक तरह से ये मल्टी बैगर साबित हुआ है, इसने लोगों को मालामाल किया है। यानी अब देखो पिछले सेशन में ये 585 को टच कर गया जो बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिला के जिस तरह से लगातार स्टॉक दौड़ रहा है आने वाले समय ये और नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। फिलहाल टाटा मोटर्स का स्टॉक 5 डे 20 डे 50 डे 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है और टिप्स टू ट्रेड की तरफ से AR रामचंद्रन का कहना है कि टाटा मोटर्स ओवरबोट जोन में है और 589 के ऊपर जो इसका अगला रेजिस्टेंस है वो तेज़ी दिखा रहा है, यानी निवेश को इस समय प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। जो भी इस समय इन्वेस्टर जो इन्होंने पहले निवेश किया तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और आने वाले समय इसमें गिरावट आएगी तो फिर लॉन्ग टर्म का नज़रिया के हिसाब से फिर डिप में खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, यानी 508 के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए, 508 का आपको टारगेट देखने को मिले तो वहाँ पर खरीदारी करें, एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी जा रही है और काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। दूसरी तरफ शेयर खान ने 633 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी की सलाह दी है और उनके हिसाब से देख सकते हो कि जो लोन में कमी आ रही है और GLR का जो बिजनेस है PV सेगमेंट सारे के सारे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जो प्रदर्शन काफ़ी बेहतर है। प्रभुदास लीलाधर ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन की जो निर्माता कंपनी है पिछले 3 वर्षों में इसका जो निर्माण की जो क्षमता है वो 3 गुना बढ़ चुकी है और हाल में इनका जो सारण का प्लांट है वो उसमें भी प्रोडक्शन शुरू हो चुका है जिसकी 1 मिलियन यूनिट तक की यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। तो कुल मिला के आने वाले समय इसका पॉजिटिव संभावना देखने को मिलेगी और देख सकते हो कि 695 का यहाँ पे टारगेट दिया गया है। जेफरीज की तरफ से देखें तो इन्होंने भी टारगेट बढ़ा दिया, पहले 665 का टारगेट था उसको बढ़ा के 700 कर दिया, जेफरीज लगातार इसके टारगेट को बढ़ा रही है क्योंकि कारोबार बढ़ रहा है। तो ऐसे में आपको टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक बड़ी अपडेट और निकल कर, टाटा मोटर्स फाइनेंस जो इसकी सब्सिडीज कंपनी है टाटा मोटर्स की, उन्होंने 25 करोड़ का एक यहाँ पे देखे तो क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे एक MOU साइन किया है ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के साथ में EV सेगमेंट के लिए और ये आप इसमें समझिए कंपनी जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है तो आने वाले समय में इसका बेनिफिट मिलेगा, तो ये दोनों कंपनियों के लिए बेनिफिट है।
तो इस देख सकते हो कि ये जो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है करीब ये 25 CR की, इससे आने वाले समय करीब 200 EV से यूनिट और बढ़ाए जा सकते हैं, कारोबार बढ़ेगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये काफ़ी अच्छा एक फ़ायदेमंद सौदा दोनों कंपनियों के लिए होने वाला है। तो जिस तरह से लगातार ये खबरें निकल के आ रही है, ये साबित करिए कि टाटा मोटर्स यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, और जल्दी कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी के नाम से उनकी सब्सिडियरी कंपनी का IPO भी आने वाला है, ये भी इसकी प्राइस को और तेज़ी से आगे बढ़ाएगा, तो इन्वेस्टमेंट जरूर कर लेना चाहिए। चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बोनस देने जा रहा है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम रोटो पंप्स लिमिटेड की, 786 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.82% की तेज़ी देख रहे हो, मिली गिरावट के बाजार में भी इसने शानदार प्रदर्शन किया है। अब आप देख सकते हो कि कंपनी काफ़ी बेहतर कर रही है, और 1975 की बनी हुई कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी है। 24 मई 2023 को कंपनी ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि वो बोनस देगी, एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देगी, और ये बहुत अच्छी बात है, जिसके पास एक शेयर होगा उसके बदले में उसको 2 शेयर मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने 8 जुलाई 2023 इसकी रिकॉर्ड डेट भी फाइनल कर ली है, जिसके पहले अगर आप शेयर खरीद लेते और आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे तो बिल्कुल आपको इस बोनस का फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे कंपनी ने 3 रुपये पर शेयर डिविडेंड का ऐलान भी किया है, जो बहुत अच्छी बात है। कंपनी क्वार्टर फोर की बात करें, यहाँ पे 719 मिलियन रुपीज़ का इन्होंने रेवेन्यू दिखाया है, जहाँ पे 46.2% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है, और कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात करें तो 110 मिलियन के आसपास रहा है, जहाँ पे देख सकते हो कि 57.9% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है। तो बहुत ही शानदार कंपनी का रिजल्ट है, ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट जरूर कर लेना चाहिए, इस दाव लेवल पे इसमें खरीदारी आपको करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक